आज को इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई जो कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये इंस्टॉल ऐप जो लिखा हुआ ना, इंस्टॉल ऐप पर टैप करना है, तो आपका ये पहला पेज रहेगा। इस पहले पेज में आपको जो ना नीचे साइड आना है, ठीक है ना। नीचे की साइड आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे नीचे की साइड में मेटा सर्विस का, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला मेटा सर्विस का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको ये नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो मेटा सर्विस सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में देखिए सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर भी क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करिए। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने मोबाइल फोन का ना डेटा का बैकअप ले लेना है अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।